आदाब नजरिन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, मुख्तलिफ मौजूदात हैं, अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि अफगानिस्तान में जब से काबुल के अंदर तालिबान पहुंचे हैं तो दूसरी मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़े कुछ ऐलानात किए गए हैं, आपके सामने तफसीलात थोड़ी देर में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज खबरनामा एक्सप्रेस के साथ। श्रीनगर में आज गुपकार अलायंस की एक बार फिर खसूसी इजलास का हुआ इनेकाद। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के साथ साथ दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इत्तेहाद के इजलास में करारदाद को भी मंजूर किया गया। 5 अगस्त 2019 के फैसले को फिर से किया गया मुस्तरद। तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इत्तेहाद की जानिब से दिया बयान, कहा आईनी लड़ाई रहेगी जारी। जम्मू कश्मीर की खामोशी को सरकार वादी कश्मीर में समझती है नॉर्मल। गुपकार अलायंस के साथ बीजेपी की जानिब से भी इजलास का श्रीनगर में किया गया इनेकाद। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना की सदारत में मीटिंग हुई मुनाकिद, पार्टी के सरगर्मियों का लिया गया जायजा। कश्मीर में बीजेपी को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकाकार पर हुआ तबादला ख्याल। महबूबा मुफ्ती के भारत सरकार को धमकी देने वाले बयान पर बीजेपी लीडरान ने की मजम्मत। शुमाली कश्मीर के सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट 2 के दरमियान हुए एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेज खुद के लिए मान रही बड़ी कामयाबी। शुमाली जिला बारामूला में सोपोर के पिटसीर इलाके में दौरान शब शुरू हुआ था ऑपरेशन, सुबह होते होते एनकाउंटर में हुआ तब्दील, 3 मकामी मिलिटेंट हुए हलाक। 2 का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के शोपियां से, 1 मिलिटेंट जिला कुपवारा से था। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाईओं में मिल रही जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाबी। अब तक रवां साल में 100 से ज्यादा मिलिटेंटों को मुख्तलिफ ऑपरेशन में किया गया हलाक। फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों का है नतीजा, मिलिटेंसी की टूट रही कमर, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का दावा। भारतीय फौज को आज मिला एक और बड़ा तोहफा, डीआरडीओ ने तैयार किया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ग्रेनेड को फौजी सरबराह एमएम नरवाने के किया हवाले। 10 लाख ग्रेनेड तैयार करने का दिया गया हुक्म, 1 लाख ग्रेनेड होंगे तैयार। मुतद्दिद खूबियों से लैस है यह अनोखा ग्रेनेड। नागपुर में तकरीब के दौरान आर्मी चीफ के हवाले किया गया ग्रेनेड। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से की फोन पर बात। दोनों लीडरान ने राब्ते के दौरान तकरीबन 25 मिनट तक रूसी सदर के साथ तफसीली तबादला ख्याल के दौरान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी लिया जायजा। रूस से अफगानिस्तान पर आगे की हिकमत ले जाने की हुई कोशिश, कोरोना वायरस के मुतल्लिक भी हुई बात, दोतरफा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने वाली मजहबी और सियासी तंजीम के मुल्क पर उनके कंट्रोल के बाद तशद्दुद या कत्लोगारत गिरी का कोई वाकया सामने नहीं आया। अमेरिका ने 31 अगस्त तक इनकला मुकम्मल ना किया तो नए लाएमल का किया जाएगा ऐलान। आज अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा अफगानिस्तान गुज़श्ता 20 सालों से बेअमनी का शिकार रहा। अफगानिस्तान 20 वर्षों के दौरान जंगो जदल और अंदरूनी खाना जंगी का शिकार रहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी हुकूमत की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर यानी एनएमपी को खूब तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उन्होंने सब कुछ बेच दिया, मरकजी हुकूमत ने नौजवानों के हाथों से रोजगार छीन लिया, पीएम मोदी सिर्फ अपने मित्रों को ही मदद कर रहे हैं, कोरोना में हुकूमत ने आवाम के लिए कोई मदद नहीं की, राहुल गांधी का इल्जाम। पंजाब में गुजश्ता 5 दिनों से जारी गन्ना के काश्तकारों का धरना आज अमरिंदर हुकूमत की यकीन दहानी के बाद खत्म कर दिया गया। किसानों के धरने की वजह से रेल और रोड ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई जिससे लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लखवाल ने आज कहा कि वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज दोपहर रियासती हुकूमत के साथ मीटिंग में गन्ने की कीमत 360 रुपए फी क्विंटल करने के उनके मुतालबे को तस्लीम कर लिया जिसके बाद धरने को खत्म करने का ऐलान हुआ। बच्चों से मजदूरी के तौर पर काम कराने की शिकायत का संजीदगी से नोटिस लेते हुए कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने इस सिलसिले में तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से रिपोर्ट तलब की है। कमीशन को राजस्थान में मजदूरी के लिए बच्चों की स्मगलिंग के बारे में मुतजाद इतलात मौसूल हुई थी। इनमें संजीदगी से गौर करने से बात सामने आई है कि आजादी के 7 दहाइयों के बाद भी बच्चों के हकूक, उनके बंधवा मजदूरी और स्मगलिंग के तहफ्फुज़ से मुतल्लिक मुख्तलिफ कवानीन और स्कीमों के बावजूद बच्चा मजदूरी का सिलसिला जारी है जिससे रियासती मिशनरी पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है।